अल्लाम नाजरीन मैं मीर हादी अली प्रसिडेंट आल इंडिया शिया आर्गनाइजेशन चीफ़ एडिटर रोज़नामे बे मिसाल आज आपको मैं गुस्ताख़ रसूल वाई नरसिंग आनंद जो गाजियाबाद से हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम खत्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्सम की शान में गंदी और फहश जबान इस्तेमाल करते हुए उसने आज सारी दुनिया में आलम इस्लाम के मानने वाले हम पैरों के दिल आज़ारी की है वो मलून सबक में भी उसने वसीम रज़वी नाम के शख्स को जो शिया सेंट्रल बोर्ड का चेयरमैन था उसे भी इसी तरह वर्गा लाया वो मलून ने भी कुरान की आयतों को माजल्ला झुटलाया था और हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी आज उसका अंजाम देख रहे हैं लोग तो मरने के बाद जलते हैं वो जिंदगी में ही जल रहा है ये उसका ही चेला था उसने ही ये हरकत की थी आज वही मलून हमारे हुजूर अकरम की शान में गुस्ताखी करते हुए जो अल्फाज हम यहाँ बयान नहीं कर सकते इस तरह गंदे अल्फाज इस्तेमाल किया उसी सिलसिले में जो तेलंगाना मुस्लिम वन योम सियाह बनतीस अक्टूबर को रो, रोज रोज़ मंगल सुबह से पाँच बजे तक हम तमाम मुसलमान तेलंगाना जिसमें तमाम मजहबी मसलक शिया सुन्नी देवबंदी हर मसलक के कलम ला 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 मोहम्मद रसोल्ला की बुनियाद पर हम सबका फरीज़ा बनता है क्योंकि हमारे दिल आज मजरू हैं चुनाचे उसने ऐसी घनौनी हरकत किया आप जानते हैं जब से ये बीजेपी थर्ड टर्म में आई है इंडिया में नरेंद्र मोदी तीसरी बार वजीर आजम का चार्ज लेकर काम कर रहे हैं उनके कारिंदे जो दीगर हिंदू तंजीमों से वाबस्ता हैं उन्हें खुली छूट दी गई है कभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने कभी हमारे मजहब पर अटैक कर रहे हैं कभी गाय के बहाने से गाव कशी के बहाने से इस तरह से वो किया जा रहा है कभी हमारे मसाजिद पर कभी नमाज की रोग लगाने पर और हालिया तो एक और एक मल्लू ने जो हवा महल जयपुर का रुकने असम्बली है बाल मुकंद आचार्या ने एक आशुर खाने में इमाम बाड़े में वहाँ पर मस्जिद में घुसकर उसने अपने चप्पलों से दाखिल होकर वहाँ के अलमे मुबारक ताजिया और नैज़ों को सबको धरम भरम कर दिया और वहाँ जो नमाज पढ़ रहे थे उनसे गाली गलोच किया तो ये कहना पड़ता है कि आज इन लोग लफ्ज़ मुसलमान को हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्या हमारे बुज़ुर्गों ने अपने मुल्क की आज़ादी में हमारेमा कराम ने हमारे नौजवानों ने क्या अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इसी दिन के लिए उनको यहाँ से भगाकर इस मुल्क को आज़ाद कराया था आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी जी आप जल्द से जल्द इस मलून वाई नरसिंहानंद को ना सिर्फ गिरफ़्तार करें बल्कि उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाएं वो बेहुदा हमेशा हर वक्त गलत अल्फाज इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है हम तमाम शिया ने तेलंगाना इस बंद की मुकम्मल तइद करते हैं और हमारे दिल मजरूह हैं और हम यकीनन कल में ला ला की बुनियाद पर इकट्ठा होकर हमारे भाइयों के शाना बशाना इस बंद में आगे बढ़ कर काम करेंगे शुक्रिया